पिछले 5 साल में हमारी सरकार ने दिल्ली के लोगों को कई क्षेत्रों में राहत दी है। बुनियादी मुद्दों पे पिछले 5 साल में बुनियादी मुद्दों को ठीक करने में 5 साल बीते। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी। अब हमारा विजन है कि अगले 5 साल में दिल्ली को अगले लेवल पे लेके जाना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। 21वीं सदी का शहर बनाना है, एक आधुनिक शहर बनाना है, एक विकसित देश की राजधानी बनाना है जिसके ऊपर दिल्ली के लोगों को गर्व हो और देश के लोगों को गर्व हो। और ऐसी दिल्ली के लिए ये मैनिफेस्टो तैयार किया गया है, जिसमें ये केवल हम नहीं कर पाएंगे, इसमें दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की भागीदारी की ज़रूरत है, इसमें केंद्र सरकार की भागीदारी की ज़रूरत है, इसमें दिल्ली सरकार काम करेगी, इसमें सभी एजेंसीज को मिलके अपनी ऐसी दिल्ली बनाना है जो कि पूरे देश के लिए गर्व की बात बन सके। जो मैनिफेस्टो बनाया गया इसमें सभी समाज के लोगों के लिए बात की गई है, इसमें महिलाओं के लिए बात की गई है, महिलाओं के वेलफेयर की बात है, इसमें युवाओं की बात है, इसमें व्यापारियों की बात है, इसमें ठेके पे काम करने वाले कर्मचारियों की बात है, इसमें सिख जो 1984 के दंगा पीड़ित हैं उनकी बात है, इसके अंदर बुजुर्गों की बात है। हर तबके का ख्याल रख के और हर तबके की जो जो ज़रूरतें हैं, सफाई कर्मचारियों की, खास तौर से मैं सफाई कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स थी, एक डिमांड की उनको आज दिल्ली के अंदर आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और दिल्ली में जो सफाई कर्मचारियों का नंबर ऑफ पोस्ट्स कैलकुलेट की जाती हैं वो ये इस बेसिस पे कैलकुलेट की जाती हैं कि पॉपुलेशन, इतने पॉपुलेशन पे कितने सफाई कर्मचारी, तो ये 40 साल पहले का जो सेंसस था उसके बेसिस पे कैलकुलेट की जाती हैं। हम 2011 के सेंसस के हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसी हिसाब से सफाई कर्मचारियों की पोस्ट्स में काफ़ी बड़े स्तर पे इजाफा होगा। और दूसरा, सफाई कर्मचारियों की डिमांड थी कि जब उनकी किसी भी व्यक्ति की, चाहे सीवर में हो चाहे सफाई करते वक्त हो, जब भी किसी की मौत हो जाती है उनको 1 करोड़ रुपए की का मुआवजा दिया जाएगा, उनको पक्का करने की भी बात इस मैनिफेस्टो में की गई है। तो अब बीजेपी का भी मैनिफेस्टो आ गया और हमारा भी मैनिफेस्टो आ गया और जनतंत्र में ज़रूरी है बहस, ये ज़रूरी है कि इसके ऊपर बहस हो कि वो क्या वायदे कर रहे हैं और हम क्या वायदे कर रहे हैं। ये ज़रूरी है कि जनता के सामने जनता को मौका मिले प्रश्न करने का और दोनों पार्टियां अपनी बात बताएं कि उन्होंने जो वादे किए क्या वो संभव हैं, क्या जनता उन वादों को सही मानती है, या हमने जो वादे किए या हमने जो काम किए। तो मैं आज बीजेपी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करे और उस सीएम कैंडिडेट के साथ मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। बहस किसी भी जगह पे हो सकती है, जो वो चाहें उस जगह पे हो सकती है। 2 एंकर बहस का वो कर सकते हैं, एक उनकी पसंद का एंकर हो, एक हमारी पसंद का एंकर हो, सारी जनता के सामने होना चाहिए, जनता को सवाल जवाब करने का मौका मिलना चाहिए, सारे टीवी चैनल्स के सामने होना चाहिए। जनता ये जानना चाहती है कि उनका सीएम फेस कौन है। अगर जनता को ये नहीं पता कि उनका सीएम फेस कौन है तो फिर जनता कह रही है कि हम आपको वोट क्यों दें। अमित शाह जी ये कह रहे हैं भाई तुम हमको वोट दे दो फिर सीएम मैं तय करूंगा। जनतंत्र में सीएम जनता तय करती है, जनतंत्र में सीएम अमित शाह जी तय नहीं कर सकते। जनता को यह अधिकार होना चाहिए तय करने का कि वो सीएम डिसाइड करे कि ये सीएम पसंद है कि ये सीएम पसंद है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता मेरे को ब्लैंक चेक दे दे, उसके ऊपर मैं नाम भरूंगा कि दिल्ली का सीएम कौन होगा। ये अधिकार जनतंत्र के अंदर और संविधान के अंदर अमित शाह जी को नहीं मिल सकता, दिल्ली की जनता तय करेगी। मैं जगह जगह जाके कहता हूं कि आपका एक एक दिया हुआ वोट सीधा केजरीवाल के पास आएगा। दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि बीजेपी को दिया हुआ वोट
किसके पास जाएगा? अगर वो चेहरा नहीं है तो इसका मतलब बीजेपी को दिया हुआ एक एक वोट गड्ढे में जाएगा, बीजेपी को दिया हुआ एक एक वोट बेकार हो जाएगा। तो दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि आप अपना, जनता ये कह रही है कि हमने मान लो आपको वोट दे दिया, बीजेपी को वोट दे दिया, कल आपने किसी अनपढ़ गंवार को बना दिया सीएम तो जनता के साथ तो धोखा हो जाएगा, वो अगर दिल्ली चला ही नहीं पाया तो। तो कल 1 बजे तक का हम टाइम देते हैं, 1 बजे तक अगर वो लोग अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं तो मैं उसके साथ बहस करने के लिए तैयार हूं, मोडालिटीज वर्कआउट कर लेंगे, और अगर वो नहीं करते तो कल 1 बजे आप सब लोगों के साथ यही मुलाकात होगी, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें हम आपसे चर्चा करेंगे।